नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। रोज शो करता हूं अभय दुबे जी के साथ, जाने माने पत्रकार, देश के 35 किताबें लिखी हैं उन्होंने, बड़े बड़े चैनलों में आते हैं। आज मैंने उनसे बड़े मजेदार सवाल पूछे। मैंने कहा, ये स्मृति ईरानी को क्या हो गया? राहुल गांधी की इतनी तारीफ कर रही है, मोदी जी डंडा लेके दौड़ा नहीं लेंगे मोदी जी को? क्या मोदी जी के सिपे सलार, मोदी जी के दाएं बाएं रहने वाले लोग भी समझ गए मोदी जी के दिन गए, अब राहुल गांधी के दिन आने वाले हैं? स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की तारीफ क्या करी, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। जो स्मृति ईरानी राहुल गांधी को पानी पी पी के कोसती थी कि उन्होंने मुझे फ्लाइंग किस किया, मुझे छेड़ा, मेरा ये किया, वो किया, वो स्मृति ईरानी कह रही है राहुल गांधी का व्यवहार बहुत अच्छा हो गया, राजनीति बहुत अच्छी हो गई। अब आप सोचिए, जिसे कहते हैं जब बुरा वक्त आता है ना तो अपने साथ छोड़ जाते हैं, मोदी जी के थोड़े सितारे गर्दिश में गए चल रहे हैं कि स्मृति ईरानी जैसे लोगों ने भी पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया, राहुल की तारीफें करना शुरू कर दी। वो बढ़िया बढ़िया जवाब दिए हैं अभय दुबे जी ने, बताया कि ऐसा क्यों होता है। मैंने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश की सरकार की क्या मत मारी गई थी जो ऐसी पॉलिसी ले आई कि अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी सब मजाक उड़ा रहे हैं, यूट्यूबर को पैसा देंगे, यूट्यूबर देखेंगे हमारी तारीफ पर हम तुम्हें पैसा देंगे। और अखबारों में खबर छपी थी, अमरजाला की लीड खबर थी कि कुछ भी दाएं बाएं बोला, कुछ भी गलत कंटेंट डाला तो उमर कैद की सजा हो जाएगी। यानी एक तरफ कसके पैसा, दूसरी तरफ डंडा। तो आखिर क्या है? और अभय दुबे जी ने कहा कि अब वो मोदी जी के पैरेलल खड़ा होना चाहते हैं योगी जी, इसलिए इस तरह की नीतियां ला रहे हैं। हमने पूछा कि राष्ट्रपति को कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में दो युवतियां पेड़ पे लटकी मिली, मैनपुरी में दो युवतियों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, बरेली में एक 9 साल की बच्ची के संग रेप किया गया, उसने तेल डाल के आत्महत्या कर लिया, ये सब घटनाएं राष्ट्रपति जी को दिखाई क्यों नहीं देती? कलकत्ता वाली घटना पर राष्ट्रपति दुखी हैं, मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं को नग्न घुमा दिया गया, जलूस निकाल दिया गया, बलात्कार कर दिया गया, हत्या कर दी गई, राष्ट्रपति जी को पता नहीं? क्या राष्ट्रपति को भी मोदी जी ने मोहरा बना दिया कलकत्ता की राजनीति का, बंगाल की राजनीति का? ये तमाम बातें अभय दुबे जी से करेंगे, बहुत अच्छी चर्चा है, पूरा सुनिएगा। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी, 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। एक शेर था, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, हमको तो अपनी बर्बादी के आसार नजर आते हैं। वो शेर मुझे इसलिए याद आया कि स्मृति ईरानी का दिल खराब शब्द है, वापस ले लेता हूँ, दिल विल को कहना ठीक नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की तारीफ बहुत करी है, कहा है कि उनके राजनीति में, व्यवहार में बड़ा अंतर आ गया। जो राहुल गांधी स्मृति ईरानी को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, क्या क्या आरोप लगाए कि उनको देख के फ्लाइंग किस रहे थे, और जितने गंदे गंदे आरोप हो सकते थे सब राहुल गांधी पे लगा दिए। किशोरी लाल शर्मा की हार, जिसको वो कहती थी तो गांधी परिवार का नौकर है, उस नौकर ने, कथित नौकर ने, हालांकि वो बहुत सालों से कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन जितने आपत्तिजनक बातें की उन, किशोरी लाल शर्मा ने हाराया उनको। और मुझे अमेठी के लोगों ने बताया कि हारने के बाद दोबारा पलटी नहीं आई, नहीं है स्मृति ईरानी अमेठी, एक घर बनाया था, बंगला बने न्यारा, लेकिन अब राहुल गांधी की तारीफ कर रही है, ये अचानक प्यार कैसे आ गया? देखिए, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा लिखी गई गजल है और उसकी एक लाइन है कि अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। गजल तो मुझे काफी याद है, मैं सुना भी सकता हूँ, लेकिन अभी जो जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, कुछ इस तरह की लाइन है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब राहुल गांधी की तारीफ उनके विरोधी करने लगे या किसी भी व्यक्ति की तारीफ उनके विरोधी करने लगे, तो आप समझिए कि वो एक ऐसे मुकाम की तरफ बढ़ रहा है जैसे मुकाम के बारे में उसने खुद भी नहीं सोचा था कि मुझे मिलेगा। देखिए, ये इंडिया गठबंधन की बड़ी खुशकिस्मती है कि उसके पास कम से कम 3 उभरते हुए सितारे हैं, एक नहीं 3 उभर, मैं व्यापक परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहा हूं, 1 नहीं 3 उभरते हुए सितारे हैं। और उनमें सबसे बड़ा सितारा है राहुल गांधी, फिर नंबर आता है अखिलेश यादव का, फिर नंबर आता है तेजस्वी यादव का। ये 3 नेता हैं जिनका ग्राफ पिछले 6 महीने में कम से कम लगातार बढ़ा है। हम लोगों ने देर में देख पाया कि ये ग्राफ बढ़ रहा है, मैं अपनी कमी स्वीकार करता हूं, हम लोगों ने इसको देर में देख पाया कि इनका ग्राफ बढ़ रहा है। बिहार की राजनीति में अगर किसी भी व्यक्ति का सितारा
बुलंद हुआ है तो वो तेजस्वी यादव है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी व्यक्ति का सितारा बुलंद हुआ है तो वो अखिलेश यादव है, और राष्ट्रीय राजनीति में अगर किसी का सितारा बुलंद हुआ है तो वो राहुल गांधी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके मुकाबले किन किन के सितारे डूब रहे, हम उनके बारे में जानते हैं, अभी उन पर चर्चा करने का वक्त नहीं है। स्मृति ईरानी ने जो राहुल गांधी के बारे में बात कही है वो किसी भी मकसद से कही हो लेकिन उनकी बात तथ्यात्मक दृष्टि से सही है। आप किसी भी रेटिंग एजेंसी को ले लीजिए, किसी भी सर्वे को ले लीजिए। और दूसरा ये है कि पिछले मुझे नहीं याद पड़ता कि जब से कम से कम चार जून से, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ राहुल गांधी ने एक भी गलत ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे उनका नुकसान हो, एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे उनके वो कहीं विवाद में पड़े। ऐसा लगता है कि हर निशाना उनका, हर तीर जो चला रहे हैं वो निशाने पर पड़ रहा है। ये आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, बड़े बड़े काबिल नेताओं से गलतियां हो जाती हैं और जल्दी जल्दी गलतियां होती हैं, फिर उन्हें गलतियां सुधार नहीं पड़ती हैं। क्योंकि राहुल गांधी की कुछ शैली इस तरह की बन गई है, कुछ इस तरह की भाषा उन्होंने बना ली है अपनी, हमें पसंद हो या ना पसंद हो। जाती तौर पर हम लोग राहुल गांधी को क्या जानते हैं, तकरीबन कुछ नहीं, किसी से एक दो बार मिलना या किसी की तस्वीर रोज अखबारों में देखते रहना या विकिपीडिया पे किसी के बारे में पढ़ लेना, इससे तो जानना नहीं होता। हम लोग राहुल गांधी को निजी तौर पर नहीं जानते, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी खसूसियत है जिसके चलते वो अपने विपक्षियों द्वारा भी प्रशंसा प्राप्त कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने जो बात सबके सामने कही है, खुल के कही है, भारतीय जनता पार्टी वाले निजी बातचीत में उसे स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी इस तरह की बातचीत करते हुए सुने जाते हैं कि भाई अब वो आजकल भारी पड़ गए। आप लाइन सुनिए, ये लाइन घूम फिर के आती है कि पहले वो हल्के नजर आते थे लेकिन आज वो भारी पड़ गए। इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा की एक टिप्पणी मुझे याद आ रही है जो उन्होंने हाल ही में मेरे साथ चर्चा हो रही थी उसमें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वही है जो पहले था, उसको देखने वाली नजरें बदल गई हैं। ये मानना कि कोई व्यक्ति दो तीन महीने के अंदर पूरी तरह बदल गया है ये अनुचित होगा, लेकिन संदर्भ बदल गया है, माहौल बदल गया है, फिजा बिल्कुल बदली हुई है, राजनीति की हवा बिल्कुल बदली हुई है और राहुल गांधी को देखने वाली नजरें भी बदल गई हैं। अब उत्तर प्रदेश में किसी जमाने में चर्चा होता था कि साहब मोदी योगी की जोड़ी पे वोट पड़ेंगे। मैं बता रहा हूं कि लोकसभा का जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ गया तब तक इस प्रकार की बातें होती रही, मोदी योगी की जोड़ी पे वोट पड़ेंगे, मोदी योगी की जोड़ी वोट पड़ेंगे। अब कोई आजकल मोदी योगी की बात करता है? कितनी बातें होती थी अमृतकाल की। नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया, उसमें अमृतकाल शब्द उनके मुंह से निकला कहीं नहीं। देखिए सब भाषा जो नरेंद्र मोदी भी भूल गए हैं पहले जो कहा करते थे। अब वो पहले जो बातें कही जाती हैं कहीं उनको ये ना मान लिया जाए कि उन्होंने बातों को छोड़ दिया है, इसलिए अपने भाषण के बाद में कोई लफाजी के तौर पर उन बातों का जिक्र कर देते हैं, अभी भी इन बातों से चिपके हुए हों। जबकि आप राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी मुतवातिर पिछले 6 महीने से जो भारत जोड़ पहली भारत जोड़ो यात्रा से जो कहते आ रहे हैं उस पर टिके हुए हैं। उनका हर कदम पहली भारत जोड़ो यात्रा में अपनाए गए रवैये का तार्किक विकास है। उनका हर कदम पहली भारत जोड़ो यात्रा में अपनाए गए रवैये का तर्कपूर्ण विकास है राहुल गांधी का। और चाहे चिदंबरम का उसमें महत्वपूर्ण योगदान हो या किसी और किसी का हो, लेकिन जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था, मैं मानता हूं कि बिना राहुल गांधी की इजाजत के, बिना उनकी मोहर के तो नहीं बन सकता था, तो राहुल गांधी का दस्तावेज है। भले ही जो घोषणा पत्र लिखने वाली कमेटी हो उसके मुखिया चिदंबरम, उनका योगदान तो होगा ही, लेकिन वो राहुल गांधी का दस्तावेज है। राहुल गांधी जिस तरह की कांग्रेस बनाना चाहते हैं, भविष्य में कांग्रेस की जिस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं, वो उसका घोषणा पत्र है। मैं मानता हूं कि वो बहुत बड़ा गेम चेंजर था। उस घोषणा पत्र में पहली बार एक नए तरह की अर्थव्यवस्था बनाने की बात की गई, क्योंकि राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी तुलना उनसे कर रहा हूं, मैं भी मुद्दतों से इस बात को कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अगर किसी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और उनकी छवि, उनकी पार्टी अगर किसी लाठी से पिटेगी तो वो आर्थिक प्रश्न की लाठी होगी। इन लोगों ने अर्थव्यवस्था के विदेशी सुझावों पर अमल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन द्वारा भेजे गए सुझावों पर, या एशियन डेवलपमेंट बैंक भी जोड़ सकते हैं उसके अंदर आप, इस प्रकार के सुझावों पर अमल करते हुए जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था इस देश में बनाई है, उस अर्थव्यवस्था की विफलताएं हैं
जो आज नरेंद्र मोदी का मुंह चिढ़ा रही है, वो कितनी भी लफाजी कर लें, कितना हिंदू मुसलमान कर लें, राहुल गांधी को बैल बुद्धि कह लें, ये कह लें, वो कह लें, कुछ 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 टिकने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने वो नस पकड़ ली है। राहुल गांधी समझ गए हैं कि ये सरकार आर्थिक रूप से विफल हो गई है, और फिर से सफल होने के लिए आर्थिक प्रश्न को संबोधित करने के लिए ना इसके पास मन है, ना योजना है, ना युक्ति है। ना मन है, ना, फिर से मैं कह रहा हूं, ना मन है, ना योजना है, ना युक्ति है इनके पास। और ये चीज इन लोगों को, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कोने में धकेलने वाली है। ये मुतबातिर, अभी देखिए 3 महीने हुए हैं, 3 महीने में ये कहां से कहां पहुंच गए हैं, और अभी और ज्यादा इनको पीछे जाना है। और राहुल गांधी के, स्मृति ईरानी ही नहीं, राहुल गांधी के खुले प्रशंसकों की संख्या और बढ़ने वाली है। कोई नहीं कहता था, मैं तो पिछले 1990 से इंतजार कर रहा था कि कोई पार्टी निकल कर आए और कहे कि ये मौजूदा अर्थव्यवस्था है, हम इस अर्थव्यवस्था में कुछ बड़ा हस्तक्षेप, रेडिकल हस्तक्षेप करेंगे, इस अर्थव्यवस्था को बदलेंगे। कांग्रेस ने जिस तरह के वायदे किए थे, वो वायदे पूरे ही नहीं हो सकते थे अगर आप नई अर्थव्यवस्था नहीं बनाए। अगर अर्थव्यवस्था क्रोनी कैपिटलिज्म पर निर्भर रहेगी, अगर अर्थव्यवस्था प्राइवेट सेक्टर को, निजी क्षेत्र को टैक्स 1,60,000 करोड़ जैसे टैक्स हॉलीडे देने पर निर्भर रहेगी, तो आप जनता को राहत नहीं दे सकते, सिवा उनके सामने फ्री अनाज का और इन सबका योजनाओं का, लाभार्थी पर लाभार्थी योजनाओं के टुकड़े फेंकने के अलावा। तो राहुल गांधी ने वो उस चीज का प्रदर्शन किया है। अब देखने वाली बात यह है कि वो कहां तक इसको ले जा पाते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी हैं, देश की राजनीति के अपने दबाव भी हैं, दूसरे चुनावी राजनीति के भी अपने दबाव होते हैं। इन तमाम दबावों का मुकाबला करते हुए दूरगामी दृष्टि से मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक लंबा खेल खेल रहे हैं। वो एक दूरगामी खेल खेल रहे हैं। वो बहुत ही फौरी स्तर पर लाभ पाने में दूरगामी लड़ाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जी, लेकिन एक बताइए मुझे, स्मृति ईरानी के लिए ये मुसीबत नहीं होगी? मोदी जी ये स्वीकार कर लेंगे कि उनकी उनकी इतनी प्रिय नेता रही किसी जमाने स्मृति ईरानी, राहुल गांधी की तारीफ करें? क्यों की होगी उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ? देखिए, स्मृति ईरानी तो सब कुछ खो चुकी है, अब उनके पास कुछ है नहीं बचा हुआ। अब अगर वो अपने मन की बात ऐसी स्थिति में भी नहीं कह पाएंगी तो कब कहेंगी? अगर वो मंत्री होती हैं आज, अगर वो अभी देखिए, अगर मुझे लगता है उनको ये भी एहसास हो गया है कि उनका पुनर्वास अभी हाल फिलहाल संभव नहीं है। अभी जो राज्यसभा की लिस्ट बीजेपी ने की और उसमें बहुत से लोग निर्विरोध चुन गए, उसमें स्मृति ईरानी का नाम हो सकता था अगर उनका पुनर्वास किया था। हम सब लोग अंदाजे लगा रहे थे कि शायद स्मृति ईरानी को राज्यसभा भेजा जाएगा। भाई, या तो वो लोकसभा में चुने या राज्यसभा में चुनी जाए। दूसरे, उनको पार्टी के अंदर भी एक बड़ा पद दिया जा सकता है, पार्टी के अंदर उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया जा सकता है, उनको कोई महत्वपूर्ण पद पार्टी के अंदर दिया जा सकता है, उससे भी उसका पुनर्वास होगा। और वो जानती हैं कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में पार्टी की बागडोर जाने वाली है, उसमें स्मृति ईरानी को तो कोई जगह मिल नहीं सकती। राज्यसभा उनको मिली नहीं, भाजपा राज्यसभा देना चाहती थी, इस बार मौका था देने का, वो भी उनको नहीं मिली। लोकसभा का चुनाव अभी कोई होने वाला है नहीं जहां पर उनका दांव लग सकता हो। तो वो जानती हैं कि वो लंबे अरसे के लिए किसी ही बड़े पद से महरूम रहेंगी, इसलिए उनके मन में जो बात आई वो उन्होंने कह दी। बिल्कुल ठीक बात है। मणिपुर का जिक्र नहीं है, कलकत्ता पे पूरा देश गरम है, राष्ट्रपति को बहुत दर्द हुआ और हमने कल इस विषय पे चर्चा करी। उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद में 2 युवतियों की लाश खेत के बाहर घर जंगल में एक लटकी हुई मिली थी पेड़ से। बरेली में एक 9वीं कक्षा की छात्रा का रेप हुआ, उसने तेल छिड़क के आग लगा ली रेप के बाद में। आज मैनपुरी में 2 संदिग्ध तरीके से 2 बहनों की 2 युवतियों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में एक वादी घटना हो रही है, लेकिन कलकत्ता कलकत्ता कलकत्ता, राष्ट्रपति को भी दर्द हुआ। आज खड़गे जी ने कहा है कि जो देश में घट रही हैं घटनाएं महिलाओं के प्रति दुखद है, प्रधानमंत्री मोदी जी को कार्रवाई करना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं एक ही चीज चाहती हूं कि दोषियों को जल्दी से जल्द फांसी हो। और आज चर्चा चल रही है कि रेप के खिलाफ शायद बंगाल सरकार एक बिल भी ला रही है। क्या बंगाल में ममता बनर्जी को घेरने में कामयाब हो पाएगी? जो चर्चा थी राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, शुरू में तो मुझे संजय जी लग रहा था कि भाजपा ने ममता बनर्जी को घेर लिया है और ममता बनर्जी के ममता बनर्जी ने जिस तरीके से पूरे मामले में लाइतलाली बरती और जिस जो उनकी पुलिस का आचरण था, जिस तरह संदीप घोष का उन्होंने समर्थन किया और वो जो जो बंदा पकड़ा गया है संजय राय ऐसा कुछ नाम है उसका, वो बंदा आखिर तक तो वो उस
उस मोटरसाइकिल पर सफर कर रहा था, मोटरसाइकिल में घूम रहा था, जो मोटरसाइकिल पता नहीं किसके किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम पुलिस कमिश्नर के नाम रजिस्टर्ड थी। तो जब ऐसी स्थिति थी उसमें मुझे लग रहा था कि ममता बनर्जी बुरी तरीके से फंस गई हैं और वो खुद अपने ही बनाए हुए जाल में उलझती जा रही हैं। एक हद तक ये बात आज की तारीख में भी सही है, ममता बनर्जी ने अभी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल ममता बनर्जी के लिए एक सुविधाजनक स्थिति तैयार करने, अब चाहे अनचाहे भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा राजनीतिकरण कर रही है उसका, वो कि उसमें से अभी कुछ ही दिनों जल्दी ही मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि ममता बनर्जी के प्रति लोगों में हमदर्दी पैदा हो जाएगी और बंगाल की जनता में भी हमदर्दी पैदा हो जाएगी। देखिए इसी तरह का हंगामा उन्होंने संदेश खाली के सवाल पे किया था, आपको याद है? संदेश खाली के सवाल पे यही सब उन्होंने कीर्तन किया था, इन लोगों ने जो बीजेपी वाले कर रहे हैं। संदेश खाली के सवाल पे भी बीजेपी बुनियादी रूप से वहां पे जो बंदा था, जो ममता बनर्जी का आदमी था, क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ, तो उसकी 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 गड़बड़ियां थी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई नहीं कह सकता आज की तारीख में कि वो बात गड़बड़ नहीं थी उसमें, और उसमें भी ममता बनर्जी का पक्ष बहुत ज्यादा ठीक नहीं था, लेकिन इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने उसको खींचा, इतना हायतोबा मचाई, इतना उसका राजनीतिकरण किया कि अंततः संदेश खाली की आवाज जो वो जो पहले लग रहा था कि वो नक्कार खाने की आवाज है, अंत में वो तूती की आवाज साबित हुई। इसमें भी यही ये लोग करेंगे, यही लोग कर देंगे। अब जब केवल जो जो चीज केवल मीडिया ड्रिवन हो जाती है, कोई भी चीज जब लगा था केवल मीडिया के दम पे खींची जा रही है, अब कुछ दिनों बाद ये होगा केवल मीडिया के दम पे ये गाड़ी खींची जा रही है, जो चीज केवल मीडिया ड्रिवन हो जाती है धीरे धीरे उसकी हवा निकल जाती है, और यही होगा। और ये उस डॉक्टर, उस 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ अत्याचार होगा जिसके साथ जिसका बलात्कार करके वहां पर हत्या कर दी गई, क्योंकि ये भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगी बात कि आपने उस मामले को इतने बुरे तरीके से मतलब आंदोलन चलाया, उसकी पर साफ लगने लगा कि आप अपनी राजनीतिक गोटी लाल करना चाहते हैं, उस बच्ची को उस महिला को इंसाफ दिलाना आपका बुनियादी मकसद नहीं है। अगर उस महिला को और वैसी तमाम महिलाओं और स्त्रियों को इंसाफ दिलाना इनका बुनियादी मकसद होता तो पिछली बार जो निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था वहां से लेकर कलकत्ता की जो निर्भया है और देश के दूसरे कोनों में तमाम जो निर्भयाएं हैं उन निर्भयाओं को पूरा अवलोकन, एक समग्र अवलोकन करते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा नीतिगत कदम प्रस्तावित करती जिसका सारे देश में स्वागत होता, उससे भाजपा को सारे देश में लाभ होता, लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल में अपनी गोटी लाल करने के लिए और इंडिया गठबंधन में मतभेद पैदा करने के लिए ये इतना उस मामले को खींचेंगे कि अंततः ये नक्कार खाने की बजाय तूती की आवाज साबित होगी। ये बीच में अभय सिंह जी आपको याद होगा जब पार्लियामेंट का जिस दिन उद्घाटन हो रहा था उसी दिन दिल्ली में महिला खिलाड़ी को घसीटा जा रहा था, वो महिला खिलाड़ी हरियाणा से, एक बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणा से उनका आता है, हरियाणा के चुनाव में महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न का मामला तूल पकड़ा हुआ है। ब्रजभूषण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सांसद थे जिन पर यौन शोषण के आरोप लगे थे, मामला तूल पकड़ा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप ब्रजभूषण को बचाने वाली पार्टी अब किस तरह महिलाओं के हक में खड़ी हो सकती है। उसमें भी ब्रजभूषण ने एंड टाइम पे हरियाणा चुनाव से पहले फिर रायता बिखेर दिया, उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में चले गए, हमारी FIR रद्द कर दीजिए यौन शोषण की, थोड़े दिन रुक जाते, 2 महीने बाद चले जाते, और आज हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी कि भाई आपकी FIR रद्द नहीं हो सकती। अब वो सोशल मीडिया पर लगातार दिल्ली हाईकोर्ट का जिक्र चल रहा है, पुराने जख्म फिर ताजे हो गए हैं। तो यानी महिलाओं की जब आप लड़ाई की बात कर रहे हैं तो ब्रजभूषण सिंह का मुद्दा एक बार फिर सामने है, और बीजेपी से सवाल करे जा रहे हैं कि जो खिलाड़ियां जो बैठ के दिल्ली में धरने पे लगातार बैठी थी, जिन्होंने देश का गौरव बनाया था, उनका यौन शोषण नहीं था। कलकत्ता में कोई घटना हो जाती है वो यौन शोषण है, उत्तर प्रदेश में 9 क्लास 9 की बच्ची उसके संग रेप हुआ, उससे तेल डाल के आत्महत्या कर ली, वो यौन शोषण नहीं है। फरकाबाद में 2 लड़कियों की लाश टंगी मिली पेड़ पे, वो यौन शोषण नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति जी को पता नहीं चलता है ऐसी बातें, उन्हें कलकत्ती की बातें पता चलती हैं। ब्रजभूषण सिंह ने एंड टाइम पे जो रायता बिखेरा है हरियाणा में, इसकी कितनी गूंज होगी, और क्या इस मुद्दे के फिर से सामने आ जाने से कलकत्ता वाले अभियान को, बीजेपी के अभियान को थोड़ा धक्का लगेगा? देखिए बीजेपी ने तो कलकत्ता वाले अभियान को तो खुद ही धक्का दे, ऐसी परिस्थितियां तैयार करनी शुरू करती है। मैंने अभी भी विश्लेषण किया था कि उसको धक्का लगना बिल्कुल तय है। आपकी बात से सहमत होते हुए दूसरी बात दिमाग में आई है, वो मैं रखता हूँ जो आपकी बात से जुड़ जाएगी। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और उसके आला कमान में एक प्रवृत्ति देखी गई है कि जो लोग उनके नेता आपत्तिजनक बातें करते हैं ये उनको कोई सजा नहीं देते। देखिए जब विधूड़ी ने
दानिश अली को संसद में खुलेआम गालियां दी, सांप्रदायिक गालियां दी, उनको कोई सजा नहीं दी गई। जब अनुराग ठाकुर ने खुलेआम दिल्ली के चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति की, सांप्रदायिक भाषण दिए, उनको कोई सजा नहीं दी गई। इसी तरीके से जब अनंत हेगड़े ने सांप्रदायिक सजा नहीं दी गई, साध्वी प्रज्ञा ने जब नाथूराम गोडसे के गीत गाए, उनको कोई सजा नहीं दी गई। मतलब तमाम लोगों को कोई सजा, लल्लू सिंह चौहान, ज्योति मिर्जा, किसी की बातों पे कोई सजा नहीं दी गई। बाद में इन लोगों के टिकट काट दिए गए, या किसी को मंत्री नहीं बनाया गया, या किसी के टिकट काट दिए गए। ये इसको भाजपा के लोग कहते हैं कि भाई हमने ये सजा दी गई इनको, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही थी। अब आप सोचिए, जब देश विधूड़ी ने जब संसद में इस प्रकार की गाली गलौज की, तो उनको स्टार प्रचारक बना के उसके बाद भेजा गया। मैं बता रहा हूँ, अब ये जो पूरा मसला है बृजभूषण शरण सिंह का, आपने बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया बल्कि उनके बेटे को टिकट दे दिया, ये सब लोग, कंगना रानौत भी इसमें एक नया एडिशन है, एक इस लिस्ट में आप उनका नाम जोड़ सकते हैं, ये सब लोग अंततः भारतीय जनता पार्टी को सिलसिलेवार रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर इनको तुरंत दंडित कर दिया जाए इनमें से लोगों को, तो वो सिलसिलेवार नुकसान खत्म हो सकता है। असल में है क्या, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में सांप्रदायिकता है। जब कोई सांप्रदायिक बयान देता है, जब कोई बाहुबली शैली की राजनीति करता है, तो भाजपा में नफरत पैदा होने, चिड़ पैदा होने, गुदगुदी पैदा होती है उन लोगों के मन, और वो लंबे से तक देखते रहती है क्या नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या बिना सजा दिए काम चल सकता है, क्या चुप रहने से काम निकल जाएगा, इस तरह की तमाम बातें करते रहते हैं। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह ठीक है, उनका कुछ एक इलाकों में, हम लोग जानते हैं वो कौन से इलाके हैं, कुछ एक इलाकों में उनका रुतबा हो सकता है, लेकिन क्या ये उत्तर प्रदेश भाजपा से भी ज्यादा शक्तिशाली थे? जिस वक्त ये घटना हुई थी, क्या उत्तर प्रदेश भाजपा से भी ज्यादा बृजभूषण शरण सिंह शक्तिशाली थे? उनको तुरंत, उनको पोक्सो में बंद करना चाहिए था। अगर बृजभूषण शरण सिंह को इन लोगों ने पोक्सो में जेल भेज दिया होता, तो मैं आपको बताऊं, इनके नरेंद्र मोदी की टोपी में एक कलगी लगती उससे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसको बचाते रहे, फिर दिल्ली पुलिस के जरिए उनके लिए वो पतली गली तैयार की, इससे वो पोक्सो के इल्जाम से निकले, क्योंकि इल्जाम इतने मजबूत थे कि यौन शोषण के इल्जामों से पूरी तरह दिल्ली पुलिस उन्हें क्लीन चिट नहीं दे पाई, उनके ऊपर मुकदमा बना रहा। अब चूंकि लगातार बार बार बृजभूषण शरण सिंह का मसला उठाया जाता है, हमारे आपके ऐसे लोग लगातार सार्वजनिक जीवन में, टीवी की बहसों में, अपने लेखों में ये बात उठाते रहते हैं कि भाजपा का ये बंदा है, इसके ऊपर यौन शोषण का इल्जाम है, इसके बेटे को आपने टिकट दिया उसे प्लेकेट करने के लिए, तो मुझे तो लगता है कि भाजपा की तरफ से ही इनको राय दी गई होगी कि आप जाइए हाई कोर्ट में रिट दायर कीजिए कि आपके खिलाफ तमाम मसले क्वेश किए जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि बृजभूषण सिंह ने अपनी मर्जी से किया हो। देखिए, इनको जगत प्रकाश नड्डा ने जब बुलाया था, जब ये मसला चल रहा था, तो नड्डा ने कहा था कि आप इस पहलवान कुश्ती संघ की राजनीति से अपने आप को दूर रहिए, जरा चुप रहिए, आप लो प्रोफाइल मेंटेन कीजिए, ये कहा था। तो उन्होंने कुछ करने की कोशिश नहीं की। मेरा तो मानना यह है कि ये भाजपा ने ही इनसे कहा होगा कि आप जाइए हाई कोर्ट में और अपने खिलाफ मामले क्वेश करवाइए। अब वो क्वेश नहीं हुआ वो अलग बात है, इसलिए अगर कोई नुकसान होता है तो उसमें भाजपा ये दोनों साथ साथ मिले हुए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग चलेंगे जम्मू कश्मीर में, गुलाम नबी आजाद ने तो खेल से पहले ही उठना बैटिंग करने से पहले बैट रख दिया, कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं प्रचार नहीं करूंगा। बीजेपी बड़ी खुश थी कि गुलाम नबी आजाद और इस तरह की कुछ कटवा पार्टी जो वोट काटेंगी मदद कर देंगी, लेकिन गुलाम नबी आजाद सरेंडर कर गए अचानक। गुलाम नबी आजाद तो क्या, लोकसभा चुनाव के दौरान ही नहीं, उससे पहले ही गुलाम नबी आजाद की पार्टी बिखरने लगी, उनका खेल खत्म हो गया था। जिस उन्होंने पार्टी बनाई थी उसके कुछ दिन तक तो कुछ थोड़ी बहुत चमक रही, फिर कश्मीर की जनता के बीच में से उनकी छवि लगातार खराब। एक तो उन्हें मोदी का आदमी समझा जाता, उन्हें लगता है मोदी जी के साथ गलबैया डांटते थे, मोदी जी उनकी तारीफ कर रहे हैं, वो उनकी तस्वीर, मोदी जी लगातार जज्बाती हो रहे हैं उनके राज्यसभा से रिटायरमेंट पे, ये सब जो नाटकबाजी थी, ये जज्बाती नाटकबाजी थी, इसका बहुत बुरा असर गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक बुढ़ापे पर पड़ा। अब तो स्वास्थ्य की खराब आड़ में उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, कि हमारी पार्टी के लोग अगर अपना चुनाव प्रचार अपने दम पे लड़ना चाहें चुनाव तो लड़ लें, ये सब कहकर उन्होंने पूरी तरह से कन्नी काट ली है। गुलाम नबी आजाद कश्मीर की राजनीति में एक बिल्कुल पिटा हुआ मोहरा है, और ये बिल्कुल भाजपा को भी समझ में आ गया है। उनके साथ पहले से ही तमाम लोग छोड़ छोड़ कर जाने लगे थे कांग्रेस के अंदर,
अब बाकी जितने भी उनके साथ लोग हैं उनके इस ऐलान के बाद में जो एक आध बचा भी होगा वो सारे के सारे कांग्रेस का प्रचार करते हुए नजर आएंगे, कांग्रेस के लिए संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। गुलाम नबी आजाद जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एज गुड इज फिनिश, मतलब वो जो उनकी राजनीति थी, उनकी राजनीतिक शख्सियत थी, वो सब अब अतीत की बात बन चुकी है, बशर्ते वो कोशिश करके दोबारा कांग्रेस में लौटे, कांग्रेस के आला कमान की वफादारी की से क्षमा मांगे, उन्होंने बहुत बुरी बुरी बातें इन लोगों के बारे में कही हैं, क्षमा मांगे और दोबारा तो उनको राजनीति में भले कुछ थोड़ा बहुत मिल सकता है, मतलब उनका रिटायरमेंट पैकेज शायद उन्हें मिल जाए, जो अब तो रिटायरमेंट पैकेज भी नसीब नहीं है। बताइए मोदी जी जिन जिन से गले मिलते हैं उन बिचारों की बैंड बज जाती है। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है आखिर में, बस एक सवाल अभय जी, प्रियंका गांधी का ट्वीट है जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी में न्याय मांग रही महिलाओं की आवाजें किस श्रेणी में आएंगी? 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में उठने वाले सवाल किस श्रेणी में आएंगे? उन्होंने कुछ पैकेज किया, 1 रुपए यूट्यूबर्स को देंगे, 1 रुपए सोशल इन्फ्लुएंस को देंगे। भाजपा नेता विधायकों द्वारा भाजपा सरकार की पोल पट्टी खोलना किस श्रेणी में आएगा? और तुम दिन को रात कहो तो रात वरना हवालात नीति को सच दबाने का और तरीका क्या? भाजपा लोकतंत्र और संविधान को कुचलने से ज्यादा कुछ सोच नहीं सकती? इतनी ज्यादा मजाक उड़ रही है सोशल मीडिया की योगी जी की जो नई पॉलिसी लाई है उसकी, क्यों लाए अपनी भद बिठाने को ये? देखिए एक तो योगी जी लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बड़े ही आला कमान के प्रभाव में नहीं है, उनके पास एक ऑटोनॉमी है और वो उत्तर प्रदेश में अपनी अब लगातार उनकी हर कार्रवाई ऐसी है कि वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में अपनी दम पे जमे हुए, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि उनको हटाने की कोशिशें काफी कुछ हो चुकी हैं, अभी भी खुफिया तौर पर जारी होंगी उनकी कोशिशें, वो अपनी दम पे जमे हुए हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना है। तो उन्होंने उन्होंने सोचा कि अगर उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए मतलब, तो हम सोच भाई बीजेपी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला नहीं पाई केंद्र स्तर पर, उत्तराखंड की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आई, अब बीजेपी तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने वाला कानून का ड्राफ्ट उन्होंने वापस ले लिया, तो ये अपनी तरफ से एक ले आए बहुत ही। इसके लिए अगर वो लाते ही तो विशेषज्ञों की एक समिति बनाते, वो ठीक से एक पूरा लेजिस्लेशन ड्राफ्ट करते और वो लेजिस्लेशन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पेश किया जाता, उसके ऊपर बहस होती, वो पास होता, तब कोई बात बनती। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि मुख्यमंत्री को रात में सपना आया और सवेरे उठ के उसने आदेश जारी कर दिया और उन्होंने अपने किसी चहेते अफसर से कहा कि जरा दो पन्ने का एक प्रस्ताव लिख दो, और उस दो पन्ने के प्रस्ताव को नीति बना के उन्होंने पेश कर दिया। इसका तो वो हश होना ही था, मजाक तो बनना ही था इसका, क्योंकि इसको वो लागू नहीं कर सकते, अगर लागू करेंगे तो उनकी और बंद होगी। या तो केंद्र सरकार उसने कहा कि भाई सब नाटकबाजी बंद कीजिए, ऐसा नहीं होता, ये बड़ा काम है। ये सोशल मीडिया कोई भारत सोशल मीडिया कोई लखनऊ की चीज नहीं है, सोशल मीडिया कोई जयपुर की चीज नहीं है, सोशल मीडिया कोई भारत की, सोशल मीडिया एक ग्लोबल चीज है। सही बात है, इसको समझने में देर लगी। खैर राजनीति की इन बातों पे हम चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें समय दिया, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी और बेबाक बातचीत कर रहे थे, मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।